सामान्य और विशेष ये दो बड़े नियम है वो आज का प्रेरणा पाते हैं कि सामान्य की बात करें तो ये बहुत विशाल है कि सामान्य का अर्थ ये हो गया कि हमारी जितनी भी 84 लाख जीवा योनिया जीवित प्राणी हैं उन प्राणियों के भीतर जो अस्तित्व है जो आत्मा है वह मूल स्वरूप में सबका समान है और सभी में मुक्त होने की अर्हता है और जो हमको जीवित प्राणियों में ये विविधता दिखाई देती है वो विविधता का होने का कारण है उनका अलग अलग उपादान उनके अलग अलग कर्मों का बंधन उनके अलग अलग कॉजल बॉडी लिंग शरीर और कार्मण शरीर होता है। तो ये सामान्य एक बड़ा विशाल नियम है और दूसरा नियम है कि विशेष विशेष होने को क्या कहते हैं ये कलेक्टर है ये आईएएस है ये आईपीएस ये प्रधानमंत्री है ये अरबपति है ये करोड़पति है स्त्री है ये पुरुष है ये जितने विशेषण हैं ये विशेषण विशेष है और विशेष होते ही विभाव हो जाता है। मतलब सामान्य में तो एक खाता है सब एक समान है जैसे कि सबका मालिक एक इसका अर्थ हो गया सब में एक है मालिक एक है। हम सामान्य अवस्था में चले गए और हम अलग अलग बात करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश और जैन लोग कहते हैं हमारे 24 तीर्थंकर कहते हैं कोई कहता है जीसस है और जो है कोई कहता है कि अल्लाह है। ये विशेष अवस्था हो जाती है विशेष अवस्था भेद की अवस्था होती है और इस भेद से संसार खड़ा हो जाता है। तो अगर हमें मुक्ति की ओर जाना है तो सामान्य अवस्था के अंदर जाइए और हमें संसार में भटकना है तो इस विशेष अवस्था में विशेषण आदि व्याधि उपाधि लग जाती है।